भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, यहीं के सपूत और भारत सरकार में मंत्री सम्माननीय जितेंद्र सिंह जी, जम्मू के सांसद श्रीमान जुगल किशोर जी, डीडीसी के चेयरमैन डोडा, डीडीसी चेयरमैन किश्तवाड़, मंच पर विराजमान हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, चुने हुए डीडीसी के मेंबरान, बीडीसी के चेयरमैन, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, देवियों सज्जनों तथा मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं प्राचीन कला और संस्कृति की जमीन डोडा में सम्मानी नितिन गडकरी जी का हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। जितेंद्र सिंह जी वैसे देखा जाए तो यहीं के हैं, यहां की जमीन से जुड़े और इन्हीं के संसदीय क्षेत्र उधमपुर से 1948 में डोडा और रामबन का जन्म हुआ था। दशकों बाद ये अलग अलग जिले बने थे और इसलिए मुझे लगता है कि इस अवसर पर उनका भी स्वागत कर देता हूं उनकी जमीन पर। कल भारत की सम्माननीय वित्त मंत्री जी के कार्यक्रम में जब मैंने लोगों को बताया कि 24 नवंबर को आदरणीय नितिन गडकरी जी जम्मू संभाग के लिए प्रगति के हाईवे का तोहफा लेकर के आ रहे हैं, तो बड़ी देर तक जोरावर सिंह स्टेडियम में तालियां बजती रही। आज जब यहां डोडा में भी ये बताया अभी जुगल किशोर जी ने कि 11,721 करोड़ रुपए की जिन 25 नेशनल हाईवे परियोजनाओं को आज गडकरी जी शुरू करने जा रहे हैं, आप सबको समर्पित करने जा रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा और प्रगति का हाईवे साबित होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। उधमपुर, डोडा, जम्मू, कठुआ के तमाम गांव, हजारों छोटे बड़े बिजनेस हाउसेस और किसानों को यह हाईवे प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर तथा देश के अन्य भागों से जोड़ेंगे और स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए यहां के अन्य संसाधनों के विकास में भी तीव्रता आएगी। मैं मानता हूं कि किसी भी क्षेत्र के लिए सड़कें धमनियां जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था स्पंदित होती है, उसमें गति आती है और नवजीवन का संचार होता है। मित्रों, प्रोड्यूसर को बाजारों से, कामगारों को नौकरियों से, स्टूडेंट्स को स्कूल से और बीमारों को अस्पताल से जोड़कर सड़कें किसी भी विकास के एजेंडे को बदलने की क्षमता रखती हैं, ताकत रखती हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये सभी 25 रोड प्रोजेक्ट्स जम्मू संभाग के लिए बहुप्रतीक्षित थे। 2014 से जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी सरकार ने जम्मू कश्मीर की आर्थिक संपन्नता के लिए, आम नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण नीतियां जमीन पर लागू की हैं, उसमें आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में रोड का, इंफ्रास्ट्रक्चर का संतुलित विकास हुआ है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जम्मू कश्मीर के विकास में है। कई लोग कहते हैं गडकरी जी तो खुद ही जादूगर है रोड के, उन्होंने स्वयं देश के अलग अलग हिस्सों में ये देखा है कि किस प्रकार से रोड की कमी उस क्षेत्र के आर्थिक विकास को रोक देती है। जहां भी सड़कों का निर्माण हुआ है वहां जन कल्याण के साथ रोजगार, औद्योगिक विकास, पर्यटन और रिटेल बिजनेस विकास रिहायशी इलाकों का भी हुआ है और उसमें प्रतिस्पर्धा आई है। गडकरी जी के मार्गदर्शन में प्रतिदिन 37 किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, जिसे विश्व रिकॉर्ड की श्रेणी में भी हम मान सकते हैं। केंद्र में जब मैं रेलवे का काम देखता था तो एक मेरे यहां समस्या आई थी, गंगा जी पर रेलवे ब्रिज बना रही। मैं
आदरणीय गडकरी जी के पास गया था, तमाम अवरोधों के बावजूद वो रेल कम रोड ब्रिज हुआ और आज उस पर उस ब्रिज पर गाड़ियां भी चल रही हैं और भारतीय रेल भी चल रही है। 2014 के पश्चात जम्मू कश्मीर में सड़क के क्षेत्र में जबरदस्त काम हुए। मैं ज्यादा आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मौसम ऐसा है कि गडकरी जी को आप सुनना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिलाकर के 2014 तक मात्र 7 हाईवे थे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल लंबाई 14 तक 1695 किलोमीटर थी। लद्दाख को निकाल दीजिए, आज जम्मू कश्मीर में 2664 किलोमीटर नेशनल हाईवे की उपस्थिति है, तो इसका श्रेय गडकरी जी को जाता है। मैं कई बार लोगों के पास सही आंकड़े नहीं होते हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 2015 में भारत सरकार ने सिर्फ रोड सेक्टर में 40,900 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर को दिए हैं, जिसमें 38,000 करोड़ की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अभी मैं जब आ रहा था, गडकरी जी ने मुझे बताया कि अभी तो ये झांकी है, असली अभी दृश्य यहाँ के लोगों को देखना बाकी है। कुल 85,000 करोड़ की रोड परियोजनाएं आने वाले 6-8 महीने में यहां शुरू होने जा रही है। ये एक हकीकत है कि आज की तारीख में पहले से 2 गुना 3 गुना रफ्तार से ज्यादा भी सड़कें बन रही हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करूं तो जम्मू संभाग के आंकड़े आपको आश्चर्य में डालेंगे। पिछले साल जम्मू संभाग में केवल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 2402 किलोमीटर सड़क बनाई गई। अगस्त 2019 के बाद से अक्टूबर 2021 के आंकड़ों को मिलाकर देखें तो अकेले जम्मू संभाग में 3895 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई। अनेक सड़क और ब्रिज के काम पूरे किए गए हैं। भारत सरकार के सहयोग से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की समूची आर्थिक प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बुनियादी ढांचे के विकास और आम आदमी के जीवन स्तर को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। इसलिए आज की तारीख में पहले के मुकाबले, जैसा मैंने कहा कि 2 गुना 3 गुना रफ्तार से सड़कों का निर्माण हो रहा है, वैसे मैग्नमाइजेशन भी हो रहा है। 2019 में 2290 किलोमीटर सड़क का मैग्नमाइजेशन हुआ था, पिछले वर्ष 5136 किलोमीटर का हुआ और इस साल 8000 किलोमीटर हम पूरा करने जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रयासों का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर आज एक मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कुछ ही दिनों में देश के विकसित राज्यों को टक्कर देगा। मैं आप सभी को यह भरोसा देना चाहता हूं कि डोडा के सर्वांगीण विकास के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस साल जनभागीदारी की भावना से सभी पंचायती संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर के, डीडीसी के चेयरमैन और मेंबरानों के साथ मिलकर 760 करोड़ रुपए का डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट डोडा जिले का पारित हुआ है, जो पिछले साल की तुलना में 2 गुने से ज्यादा है। आंकड़ा खुद में मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक होता है और समग्र विकास के प्रति सरकार की और प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराता है। डोडा के नए मेडिकल कॉलेज कैंपस, टीचिंग हॉस्पिटल तथा रेफरल के अपग्रेडेशन का काम भी तेजी गति से हो रहा है, कुछ महीनों के भीतर ही उसे पूरा कर लिया जाएगा। उसी प्रकार गंडोह के अस्पताल, हाई अल्टीट्यूड मेडिकल प्लांट रिसर्च सेंटर, मल्टीपर्पज इंडोर हॉल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं और समय सीमा के भीतर इसे भी पूर्ण कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के हर घर नल से जल के संकल्प को पूरा करने की दिशा में भी डोडा प्रगति कर रहा है और 50% से ज्यादा घरों को अभी तक पूर्ण जल से नल पहुंचाया जा चुका है। गडकरी जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि 2019 के पहले सुस्त विकास का परिणाम था कि जम्मू संभाग में अपार संभावनाओं के बावजूद हाई डेंसिटी प्लांटेशन नहीं होता था। ऐसा कानून था यहाँ कि जम्मू में इसकी अनुमति नहीं थी, अब उसे बदल दिया गया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि 2019
में 200 हेक्टेयर जमीन पर मैंगो और साइट्रस लगा था। अब वो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो कीवी हो, लीची हो, एप्पल हो, एप्रिकॉट हो, वॉलनट हो। ये 5 लाख तक पेड़ हम लगा चुके हैं और इस साल 25 लाख हाई डेंसिटी प्लांटेशन का लक्ष्य जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रखा है। एरोमा मिशन के जरिए आज डोडा में पर्पल रेवोल्यूशन हो रहा है। भद्रवाह के सैकड़ों परिवार आज पारंपरिक मक्के की खेती छोड़कर लेवेंडर की खेती कर रहे हैं और इस साल तो 500 किसानों ने फूल की खेती भी शुरू की है। और निश्चित रूप से जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होगी, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। बिजली के क्षेत्र में भी अनेक परियोजनाओं की नई स्वीकृति प्रदान की गई है, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन गुड गवर्नेंस के जो सिद्धांत हैं, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। पहले भी यहां सरकारी नियुक्तियां हुई हैं, इस बार भी 8,000 नियुक्तियां हुई। मैं खुली सभा में चुनौती के साथ कहना चाहता हूं, एक भी व्यक्ति की नियुक्ति योग्यता के अलावा दूसरे कारण से नहीं हुई और शायद आजादी के बाद पहली बार गरीब और मजलूम लोगों के बच्चे जो पढ़ने में ठीक थे उन्हें नौकरी मिली है और उनके जीवन में परिवर्तन निश्चित रूप से आ रहा है और जिसका सीधा लाभ मैं मानता हूं उपेक्षित वर्ग को मिल रहा है। डोडा के ही रहने वाले नौजवान राजेंद्र सिंह एक अत्यंत गरीब परिवार से आते हैं और ट्रांसपेरेंट तरीके से की गई भर्ती का परिणाम है कि आज वो प्रशासन में अफसर हो गए। उसी तरह हमारे डोडा के नौजवान जफर हुसैन आज सरकारी अफसर हैं। बचपन में ही उनके पिता की हत्या आतंकवादियों ने कर दी थी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि समता, सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के रास्ते पर चलकर हम नौजवानों, किसानों, महिलाओं तथा वंचित वर्ग के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम कर रहे हैं ताकि 1.25 करोड़ नागरिक मिलकर के आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर भी अपना योगदान दे सके। 2019 के पहले कुछ खास लोगों के लिए काम होते थे लेकिन अब वो जमाना चला गया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जन विरोधी उस व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की गई है। प्रशासन आवाम की जरूरत के लिए काम करेगा और प्रत्येक नागरिक तक सभी सुविधाएं पहुंचे इसको सुनिश्चित किया जाएगा। इतिहास में पहली बार इंडस्ट्री विहीन यूटी में औद्योगिक क्रांति की जमीन भी तैयार की गई है और आज की तारीख में 14,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव जम्मू कश्मीर के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में स्वीकृत कर दिया और दिसंबर अंत तक 35,000 करोड़ के प्रस्ताव हम स्वीकृत करने जा रहे हैं। मैं आपके बीच ये बात बताना चाहता हूं और जो पॉलिसी हमने बनाई है उसमें विशेष ध्यान रखा कि जो पिछड़े इलाके हैं, जो ब्लॉक में इंडस्ट्री लगाएगा उसे विशेष रियायत देने का हमने प्राविधान किया। सम्माननीय गडकरी जी के प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगा क्योंकि आज जो भी विकास की नीतियों को हम लागू कर रहे हैं उसमें कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मानता हूं सड़क परिवहन और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक समाज के विकास और समृद्धि की कुंजी। समाज और अर्थव्यवस्था में सतत और समावेशी विकास का निर्माण, फिर उसे कायम रखने में सुरक्षित और भरोसेमंद कनेक्टिविटी की आवश्यकता सबसे प्रमुख है। आप कोई भी पत्रिका उठाकर देख लीजिए, हर किसी देश में सड़कों ने स्थानीय और राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने में और लक्ष्यों को पूरा करने में सबसे ज्यादा मदद की है। आज 11,721 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जो शुभारंभ हो रहा है, मैं इसे शुद्ध फाइनेंशियल लाभ, इकोनॉमिक ग्रोथ तथा सोशल इक्वालिटी के रूप में देखता हूं और मेरा दृढ़ विश्वास है कि सड़क के बुनियादी ढांचे में इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा है। न सिर्फ पैसे, व्यापार, अर्थव्यवस्था की मजबूती के रूप में बल्कि सामाजिक व्यवस्था को सक्षम बनाने, सांस्कृतिक विरासत को सहेजने, उसके विस्तार, ज्ञान के आदान प्रदान और क्षेत्रों के एकीकरण के लिए भी यह अनमोल इन्वेस्टमेंट है। आज सड़कों के जाल का यह परिणाम है कि सारा देश एक हो चुका है और विविधता के एकता के सूत्र में बांधने का काम हमारी बढ़ती हुई कनेक्टिविटी ने किया है। विश्व के एक जाने माने विचारक ने कुछ दिनों पहले एक रिसर्च पेपर निकाला था जिसका टाइटल था If you want to prosper, consider building roads। मैं इस बात से पूरी तरह इत्तफाक रखता हूं और मेरा यकीन है कि आज की ये 25 सड़क परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में
ढेर सारी संपदा और विकास लेकर के आएंगी और रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगी। अंत में एक मिनट में आदरणीय गडकरी जी से एक अनुरोध करता हूं, चार पांच छह प्रमुख सड़कें मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज इस मंच से इसकी भी घोषणा आप करने की, सड़कें भी जल्द भारत सरकार स्वीकृत करेगी। पहली है कठुआ बसोली बनी भदरवा कोटा, ये 77 किलोमीटर की सड़क है। दूसरी है डोडा भदरवा चंबा हिमाचल, ये 132 किलोमीटर की सड़क है। तीसरा दयालचक चलान बिलावर महानपुर बसौली, 118 किलोमीटर है। तवी ब्रिज जम्मू एयरपोर्ट मिरन साहब सुचेतगढ़, अभी हाल ही में सुचेतगढ़ में रिट्रीट सेरेमनी शुरू हुई है, इसके बनने से मैं समझता हूं कि भारी संख्या में वहां लोग जाएंगे। नरगल तनमर्ग गुलमर्ग बारामूला, इसका एक्सटेंशन करना आवश्यक है। सूरनकोट बफियाज सोपियान श्रीनगर, आपने ऑलरेडी कहा है कि इसको हम करेंगे। और एक अंतिम निवेदन, अखोली मछेल जाकर जो कारगिल में है, ये सड़क बनने से मैं समझता हूं कि पूरे किश्तवाड़ और डोडा रीजन का काफी विकास होगा। इतना ही आग्रह करते हुए एक बार पुनः आदरणीय नितिन गडकरी जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और एक बार फिर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।